नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन की वापसी, केंद्रीय कैबिनेट की पूर्व मंजूरी के बिना हुआ फैसला, उद्धव ठाकरे बने अगले मुख्यमंत्री। द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिल 2019 को सरकार की मंजूरी, बिल में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का प्रावधान, अब फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किए जाएंगे कामगार। चीन में ब्यूबोनिक प्लेग का खतरा, संक्रमित पिस्सू के काटने से होता है ब्यूबोनिक प्लेग, यूरोप में हुई थी ब्यूबोनिक प्लेग के कारण सबसे ज्यादा मौतें। WMO ने जारी किया ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, रिपोर्ट के मुताबिक CO2 ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण, पिछले साल ग्रीन हाउस गैसों के लेवल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। और मलेशिया से विलुप्त हुए सुमात्रा राइनो, अब इंडोनेशिया में ही बची यह दुर्लभ प्रजाति, दुनिया भर में मात्र 80 सुमात्रा राइनो की मौजूदगी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटाने की घोषणा की। यह घोषणा राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड 2 के तहत प्राप्त शक्ति के प्रयोग द्वारा की है। इस प्रक्रिया में केंद्रीय कैबिनेट की पूर्व अनुमति नहीं ली गई। इसके लिए केंद्र सरकार ने ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के रूल नंबर 12 का इस्तेमाल किया। इसके मुताबिक प्रधानमंत्री जरूरी समझने पर इन नियमों से छूट दे सकते हैं। कैबिनेट नियम संख्या 12 के तहत लिए गए किसी निर्णय को पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दे सकती है, यानी कि उस निर्णय को बाद में कैबिनेट मंजूरी दे देती है। सामान्य तौर पर इस नियम का इस्तेमाल सरकार बड़े निर्णय लेने में नहीं करती। इसका इस्तेमाल पहले हस्ताक्षर किए गए MOU या किसी समझौते को वापस लेने जैसे मामलों में किया जाता रहा है। इसके पहले इस नियम के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई थी। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड 2 के मुताबिक राष्ट्रपति पूर्ववर्ती राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को बाद में नई उद्घोषणा के माध्यम से वापस ले सकता है। राष्ट्रपति शासन की समाप्ति और राजनीतिक उठापटक के बाद अब महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे ने शपथ ली है। संसद से द ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2019 पारित हो गया है। बिल में उस प्रावधान को वापस ले लिया गया है जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स द्वारा भीख मांगने को अपराध घोषित करता था। बिल में ऐसे व्यक्ति को ट्रांसजेंडर पर्सन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी वर्तमान लैंगिक पहचान उसकी जन्मजात लैंगिक पहचान से मेल नहीं खाती। ट्रांसजेंडर पर्सन्स की श्रेणी में ट्रांसमैन, ट्रांसवुमेन, पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशंस, जेंडर क्वीर तथा किन्नर, हिजड़ा, अरावनी और जोक्ता के रूप में सामाजिक मान्यता रखने वाले लोगों को रखा गया है। ट्रांसजेंडर पर्सन्स को खुद से निर्धारित की गई लैंगिक पहचान रखने का अधिकार दिया गया है। हालांकि ऐसे लोगों को ट्रांसजेंडर पर्सन होने का सर्टिफिकेट जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाएगा। इसके अलावा बिल में शैक्षणिक संस्थानों, सेवाओं आदि में ट्रांसजेंडर पर्सन्स के साथ होने वाले भेदभावों को प्रतिबंधित किया गया है। बिल के मुताबिक सरकार ट्रांसजेंडर पर्सन्स को शिक्षा, खेल आदि की सुविधाएं मुहैया कराएगी। इसके अलावा सरकार अलग से HIV निगरानी केंद्र और सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज के लिए जरूरी कदम उठाएगी। साथ ही यदि ट्रांसजेंडर पर्सन्स के घर के लोग उनकी देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं, तो कोर्ट के आदेश पर उन्हें पुनर्वास केंद्र में रखा जाएगा। बिल में ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए राष्ट्रीय परिषद के गठन की बात भी कही गई है। ट्रांसजेंडर पर्सन को बॉन्डेड लेबर में लगाने, सार्वजनिक रास्तों से वंचित करने, उनके घर से निकालने और उन्हें शारीरिक, यौन, मौखिक, आर्थिक या भावुक प्रताड़ना देने पर कम से कम 6 माह की सजा का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने असम के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड यानी NDFB पर प्रतिबंध को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने NDFB को इसके सभी समूहों के साथ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। यह संगठन बोडोलैंड की मांग से जुड़ा हुआ है। इसके कई हमलों, हत्याओं या उगाही में शामिल होने के मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि बोडो असम का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ये राज्य की जनसंख्या में 5-6% का हिस्सा रखते हैं। बोडो को संविधान की 6ठी अनुसूची में प्लेन्स ट्राइब के तौर पर पहचाना गया है। ये एक बड़े नृजातीय समूह बोडो कछारी से संबंध रखते हैं। असम का कोकराझार इनके निवास का मुख्य केंद्र है। ये तिब्बत बर्मीज भाषा समूह से संबंध रखने वाली बोडो भाषा बोलते हैं।
असम के कोकराझार, बुक्सा, उदालगुरी और चिरांग जिले मिलकर बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। लंबे समय से बोडो लोग अलग राज्य की मांग उठाते रहे हैं। 1966-67 में अलग बोडो लैंड की मांग प्लेन्स ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम के जरिए उठाई गई थी। 1987 में ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन ने इस मांग को फिर से उठाया था। बीते दिनों राज्यसभा में पिछले कुछ सालों में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA 1967 के तहत दर्ज किए गए मामलों की जानकारी दी गई। यह जानकारी NCRB के आंकड़ों के आधार पर दी गई है। इसके मुताबिक 2017 में इस एक्ट के तहत कुल 1554 लोग गिरफ्तार किए गए। 2017 में इस एक्ट के तहत सबसे ज्यादा मामले मणिपुर में दर्ज किए गए हैं। यहाँ इस एक्ट के तहत देश में दर्ज किए गए कुल मामलों के 35% मामले दर्ज किए गए हैं। जम्मू और कश्मीर 17% मामलों के साथ इस सूची में दूसरे पायदान पर, जबकि असम 14% मामलों के साथ तीसरे पायदान पर है। उत्तर प्रदेश में इस एक्ट के तहत 12% मामले ही दर्ज किए गए हैं। हालांकि इन मामलों में सबसे ज्यादा गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में ही हुई है। आपको बता दें कि देश में गैर कानूनी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1967 में ये कानून बनाया गया था। इसके तहत जांचकर्ता एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर कर सकती है। हालांकि कोर्ट को सूचित करने के बाद यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। अगस्त 2019 में संसद ने इस कानून में संशोधन करते हुए किसी व्यक्ति विशेष को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान जोड़ दिया है। 2004 में इस कानून में संशोधन कर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त संगठनों को बैन करने का प्रावधान जोड़ा गया था। हाल ही में चाइल्ड राइट्स एंड यू यानी क्राई ने NCRB द्वारा 2016-17 के लिए जारी किए गए आंकड़ों पर आधारित बाल अपराधों पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में बाल अपराधों में 20% की बढ़ोतरी हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में बच्चों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं। झारखंड में बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में सबसे ज्यादा यानी 73.9% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मणिपुर में ऐसे मामलों में 18.7% की कमी आई है। बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में ज्यादातर मामले अभी भी किडनैपिंग और एबडक्शन के ही पाए गए हैं। हालांकि पॉक्सो एक्ट, रेप, यौन हमले और अल्पवयस्क लड़कियों की खरीद फरोख्त के भी मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बाल श्रम के मामलों में 2016-17 के बीच 126% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इसी दौरान बाल विवाह के मामलों में 21.17% की वृद्धि हुई है। बाल अपराधों में हो रही लगातार वृद्धि के मद्देनजर बच्चों के संरक्षण के लिए वित्तीय निवेश बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा सरकार और सिविल सोसाइटीज के साथ आने की जरूरत है। आपको बता दें कि क्राय बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा एक NGO है। बीते दिनों मणिपुर में जोमी जनजाति के कुछ लोग सड़कों पर उतरे। इन लोगों ने राज्य सरकार से नई जोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी ZTC के गठन की मांग की है। नागालिम और कुकीलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के गठन को लेकर राज्य सरकार और कुकी समूहों के बीच चल रही बातचीत के बीच ये मांग उठाई गई है। जोमी काउंसिल जोमी जनजाति के लोगों का शीर्ष निकाय है। जोमी जनजाति में गंटे, कोम, पैटे, माटे, सिमटे, तेदिम, चिन, थांगखल, जोऊ और वैफेई जनजातियां शामिल हैं। ये जनजातियां मणिपुर सहित नागालैंड, मिजोरम और असम में फैली हुई हैं। जोमी काउंसिल के मुताबिक मणिपुर के केवल इन्हीं जनजातीय समूहों को संविधान की 6ठी अनुसूची से बाहर रखा गया है। ये जनजातीय समूह लंबे समय से 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इस अनुसूची के तहत राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों को स्वशासी प्रदेशों के रूप में विभाजित कर सकता है जहां अलग अलग अनुसूचित जनजातियों के लोग रहते हैं। केंद्र सरकार ने द कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिल 2019 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में इंडस्ट्रियल रिलेशंस से संबंधित पुराने कानूनों को समायोजित करने का प्रावधान रखा गया है। इसमें द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 और द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 को मिलाने की बात कही गई है। इस बिल की सबसे अहम बात यह है कि इसमें फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी निश्चित अवधि के लिए रोजगार का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में कंपनियां कामगारों को कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए हायर करती हैं।
इस प्रावधान के जरिए कंपनियां कामगारों को फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर हायर कर सकेंगी, लिहाजा कामगारों को एक सेफ गार्ड प्राप्त होगा। हालांकि फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के मामले में उद्योगों को सीजनलिटी के संबंध में कुछ राहत दी गई है। कुछ उद्योग जो साल के कुछ खास महीनों में ही सुचारू रहते हैं और अधिकतम लाभ कमाते हैं, इस अवधि को उद्योगों की सीजनलिटी कहा जाता है। ऐसे उद्योगों में खासतौर पर पर्यटन उद्योग को शामिल किया जाता है। सरकार ने कंपनियों को कुछ खास मामलों में राहत देने का प्रस्ताव वापस ले लिया है। बड़ी कंपनियों ने श्रम बल छंटनी और कामगारों को नौकरी से निकालने जैसे मुद्दों पर कानून में लचीलेपन की मांग की थी। बिल में मौजूद प्रावधान के मुताबिक 100 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली किसी भी कंपनी को कर्मचारियों की छंटनी के लिए सरकार से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इससे पहले वाले ड्राफ्ट में यह संख्या 300 रखी गई थी। इसके अलावा कामगारों की छंटनी के लिए क्षतिपूर्ति के प्रस्ताव को भी सरकार ने वापस ले लिया है। लंबे अरसे से निर्माणाधीन रोहतांग टनल के सितंबर 2020 तक तैयार होने की उम्मीद है। 10,000 फीट लंबी यह टनल दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल होगी। इसे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को काटकर बनाया जा रहा है। इस टनल के तैयार होने के बाद न केवल लाहौल स्पीति घाटी बल्कि लद्दाख की जास्कर घाटी के लोगों को भी जाड़े के दिनों में परिवहन की सुविधा मिल सकेगी। ऐसा बताया जा रहा है कि इस टनल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO द्वारा विकसित की जा रही यह टनल कड़ी सर्दियों में भी रोहतांग दर्रे के आगे कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यह टनल रणनीतिक रूप से बेहद अहम होगी। हालांकि लद्दाख तक 12-मासी संपर्क साधने के लिए और अधिक टनल्स बनानी होंगी। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का बड़ा दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। आपको बता दें कि BRO रक्षा मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। इस संगठन का मुख्य कार्य देश के सीमाई इलाकों में सड़कों का निर्माण सुनिश्चित करना है ताकि सैन्य बलों की रणनीतिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। 21 और 22 नवंबर को इंडियन स्टील एसोसिएशन ने स्टील कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस मौके पर स्टेटस ऑफ इंडियन स्टील इंडस्ट्री नाम से एक रिपोर्ट भी जारी की गई। स्टील कॉन्क्लेव में हिस्सा लेते हुए मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील धर्मेंद्र प्रधान ने ग्रीन स्टील मिशन की ओर प्रयास करने की जरूरत पर बल दिया। स्टील निर्माण की प्रक्रिया में कार्बन उत्सर्जन को कम करना ही ग्रीन स्टील है। इसके लिए स्टील निर्माण में कोयले के स्थान पर गैसों का प्रयोग, स्टील को रिसाइकल करना आदि प्रयासों की जरूरत है। गौरतलब है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने पूर्वी भारत में ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इससे उस क्षेत्र के स्टील प्लांट्स को निर्माण के लिए गैस प्राप्त हो सकेगी। आपको बता दें कि भारत क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत चीन और USA के बाद फिनिश्ड स्टील का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। स्टील क्षेत्र देश की GDP में 2% के योगदान के साथ लगभग 25 लाख लोगों को स्टील या उसके सह क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है। राष्ट्रीय स्टील पॉलिसी 2017 के तहत 2030 से 31 तक 300 मिलियन टन स्टील क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान स्टील क्षमता 138 मिलियन टन है। अगले महीने सार्वजनिक क्षेत्र की ब्लू चिप कंपनीज के लिए पहला फिक्स इनकम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च करने की तैयारी है। यह ETF ऐसे निवेशकों को नए विकल्प मुहैया कराएगा जो PSUs की प्रतिभूतियां रखना चाहते हैं, साथ ही अधिक तरलता की सुविधा चाहते हैं। चूंकि ETF एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड होंगे इसलिए तुरंत खरीदे बेचे जा सकेंगे। ये ETF PSUs को मार्केट से उधार लेने के लिए नए विकल्प देंगे, वहीं निवेशकों को फिक्स डिपॉजिट की तुलना में ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा। आपको बता दें कि ETF एक एक्सचेंज में लिस्टेड स्टॉक्स के समूह से बना होता है। यह किसी भी अन्य लिस्टेड प्रतिभूति की तरह ही खरीदा बेचा जा सकता है। ETF एक विशेष इंडेक्स पर आधारित होता है। इस इंडेक्स में शामिल स्टॉक्स ही ETF में शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि ETF सेंसेक्स पर आधारित है तो इसमें लिस्टेड सभी 30 स्टॉक्स ETF का हिस्सा होंगे। इस प्रकार ETF खरीदने वाला निवेशक उस इंडेक्स के सभी स्टॉक्स खरीद रहा होता है। इसके लिए उसे सभी स्टॉक्स को अलग अलग नहीं खरीदना पड़ता। हालांकि इंडेक्स फंड भी किसी विशेष इंडेक्स से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ETF इनसे भिन्न होता है। इंडेक्स फंड किसी भी अन्य म्यूचुअल फंड की तरह होता है। इसमें नेट एसेट वैल्यू इसमें शामिल प्रतिभूतियों के क्लोजिंग प्राइस पर निर्भर करती है, जबकि ETF में यह प्रतिभूतियों के करंट मार्केट प्राइस से जुड़ा होता है।
इसी वजह से ETF पूरे दिन किसी भी साधारण स्टॉक की तरह खरीदे व बेचे जा सकते हैं। ETF की खरीद फरोख्त के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी होता है, जबकि इंडेक्स फंड सीधे एसेट मैनेजमेंट कंपनी से खरीदे जा सकते हैं। ETF ऐसे किसी भी तरह के एसेट या सिक्योरिटी से बनाए जा सकते हैं जिनका इंडेक्स हो या तरलता बाजार यानी लिक्विडिटी मार्केट हो। वैश्विक स्तर पर ETF बॉन्ड मुद्राओं और कमोडिटीज से मिलकर बने होते हैं। भारत में गोल्ड ETF ज्यादा लोकप्रिय हैं, इनमें निहित प्रतिभूति सोना है। कोला मंत्रालय ने कोल इंडिया लिमिटेड को आने वाले 2 से 3 सालों में कोलबेड मीथेन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है। यह उत्पादन 2 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स करने के लिए कहा गया है। कोलबेड मीथेन कोयले के भंडार के साथ पाई जाती है। इसे निकालने के लिए कोयले की परतों में ड्रिलिंग करके भूमिगत जल को हटाया जाता है। इससे दाब में कमी आती है और कोयले से मीथेन मुक्त होती है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक भारत में लगभग 92 ट्रिलियन क्यूबिक फीट कोलबेड मीथेन के भंडार मौजूद हैं। ये भंडार देश के 12 राज्यों में गोंडवाना अवसादों में पाए जाते हैं। कोलबेड मीथेन के उत्पादन की ज्यादा संभावना वाले क्षेत्र दामोदर और सोन नदी घाटी में पाए जाते हैं। मौजूदा समय में कोलबेड मीथेन के प्रोजेक्ट रानीगंज कोलफील्ड, झरिया कोलफील्ड के पर्वतपुर ब्लॉक और पूर्वी तथा पश्चिमी बोकारो कोलफील्ड में हैं। इसका इस्तेमाल विद्युत उत्पादन, CNG फर्टिलाइजर के लिए फीड स्टॉक के तौर पर, सीमेंट उत्पादन, स्टील उत्पादन और मेथेनॉल के उत्पादन में किया जा सकता है। बीते दिनों संसद में पिछले 3 सालों में भारत आने वाले पर्यटकों के आंकड़े पेश किए गए। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 सालों में भारत आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है, लिहाजा विदेशी आय में भी वृद्धि हुई है। 2018 में बांग्लादेश, USA और UK से सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भारत आए। 2016 से 2018 के बीच इन 3 देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। हालांकि पाकिस्तान से आने वाले पर्यटकों की संख्या में 2016 के मुकाबले 2017 में बड़ी गिरावट आई है। अगर राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो साल 2018 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में तमिलनाडु अव्वल रहा। विदेशी पर्यटकों के मामले में महाराष्ट्र दूसरे, जबकि उत्तर प्रदेश तीसरे पायदान पर रहा है। हाल के दिनों में चीन में ब्यूबोनिक प्लेग के कुछ मामले पाए गए। इसके अलावा चीन में ही न्यूमोनिक प्लेग से ग्रसित 2 मरीज भी पाए गए। दोनों ही तरह के प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया से होते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग संक्रमण खासकर संक्रमित पिस्सू के काटने से होता है, जबकि न्यूमोनिक प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के सांस के जरिए फेफड़ों में प्रवेश होने के कारण होता है। चूंकि यह खांसी के जरिए फैलता है, इसलिए ज्यादा खतरनाक होता है। इनके अलावा एक दुर्लभ तरह का प्लेग भी होता है, जिसे सेप्टिसेमिक प्लेग कहते हैं। इस प्लेग से शरीर में रक्त प्रवाह में संक्रमण का खतरा रहता है। आपको बता दें कि ब्यूबोनिक प्लेग के कारण पूरे विश्व में लाखों लोगों की मौत हुई है, जिनमें 14वीं शताब्दी के दौरान 1/3 से ज्यादा मौतें अकेले यूरोप में हुई थी, जिन्हें ब्लैक डेथ के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अस्थिर जलवायु परिस्थितियों के कारण यह रोग चूहों, पिस्सुओं और इंसानों में तेजी से फैलने लगा था, जिससे इतने बड़े पैमाने पर मौतें हुईं। ऐसा माना जाता है कि इस प्लेग के फैलने की शुरुआत चीन के यूनान प्रांत से हुई। 1894 में अफीम के व्यापार के कारण इसका वैश्विक स्तर पर प्रसार होने लगा, जबकि इससे पहले यह बीमारी स्थानीय ही थी। 20 से 22 नवंबर के बीच स्ट्रासबर्ग में साइबर क्राइम से निपटने के मुद्दे पर ऑक्टोपस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसका मकसद बुडापेस्ट कन्वेंशन पर एक प्रोटोकॉल के माध्यम से साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के उपाय खोजना था। इस प्रोटोकॉल को 2020 तक अंतिम रूप दिया जाना है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत ने बुडापेस्ट कन्वेंशन में अपने नॉन मेंबर स्टेटस को बनाए रखा। साथ ही रूस की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र में साइबर सुरक्षा पर एक अलग कन्वेंशन के पक्ष में वोट दिया। रूस के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में पास कर दिया गया है। इसमें एक नई संधि लाने की बात की गई है, जिससे सदस्य देश साइबर अपराधों को रोकने के लिए डेटा शेयर कर सकें और सहयोग स्थापित कर सकें। आपको बता दें कि काउंसिल ऑफ यूरोप की साइबर क्राइम पर कन्वेंशन को बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। यह साइबर क्राइम पर एकमात्र बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय तंत्र है। यह किसी देश के द्वारा साइबर अपराधों से निपटने के लिए बनाए जाने वाले कानूनों के लिए दिशा निर्देश का काम करती है। यह संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के बीच डेटा शेयरिंग के लिए फ्रेमवर्क भी प्रदान करती है।
भारत, रूस, चीन जैसे देशों ने विदेशी एजेंसीज के साथ डेटा शेयरिंग को राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा माना है। बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में जानकारी दी। सरकार लोगों में जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें चला रही है। मसलन 360 डिग्री मीडिया कैंपेन, जिसके तहत टीवी पर एड, पोस्टर होर्डिंग्स, रेडियो शोज के जरिए जागरूकता फैलाई जाती है। इसके अलावा विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन, कई अन्य प्रोत्साहन देने वाली गतिविधियां, मसलन सास बहु सम्मेलन, नई पहल किट्स, मोबाइल पब्लिसिटी वेंस आदि का प्रयोग जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में सरकार द्वारा उठाया गया प्रमुख कदम मिशन परिवार विकास है। इसके तहत सरकार निरोध और परिवार नियोजन की सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ा रही है। 146 ऐसे ज़िले जिनकी कुल प्रजनन दर 3 से अधिक है, उन पर फोकस किया गया है। ये ज़िले उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम से हैं। ये राज्य देश की जनसंख्या में 44% का योगदान रखते हैं। इसके अलावा आशा यानी एक्रेडिटेड सेल्फ हेल्प एक्टिविस्ट के जरिए घरों तक नियोजन के साधनों की पहुँच सुनिश्चित की जा रही है। फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिसके तहत स्वास्थ्य के हर स्तर पर परिवार नियोजन के साधन मुहैया कराए जा सकें। इन प्रयासों से जो परिणाम देखने को मिले हैं वे इस तरह हैं। कुल प्रजनन दर यानी TFR में कमी आई है। TFR अब 2.2 है। अशोधित जन्म दर 23.8% से घटकर 20.2% हो गई है। इसके अलावा टीनेज बर्थ रेट 16 से घटकर 8% हो गई है। US स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा ने एक ऐसी हाईटेक डिवाइस विकसित की है जो छोटे स्तर पर भी भूकंप और सुनामी जैसी आपदाओं का पूर्वानुमान करने में सक्षम है। इस डिवाइस का परीक्षण मैक्सिको की खाड़ी के एगमोंट की में किया गया। उथले जल में तैरने वाली यह डिवाइस सागरीय नितल की त्रिविमीय गति के लिए डेटा इकट्ठा करेगी। इसकी खासियत है कि यह पृथ्वी के क्रस्ट में होने वाली छोटी हलचलों, यहाँ तक कि 1 से 2 सेंटीमीटर में होने वाली हलचलों का भी पता लगा सकती है। इस डिवाइस के टॉप में GPS सिस्टम फिट किया गया है। पृथ्वी की पार्श्विक हलचलों का पता लगाने के लिए यह डिवाइस डिजिटल कंपास का उपयोग करती है। वहीं दूसरी तरफ सागर नितल में होने वाली हलचलों को डिटेक्ट करने के लिए पहले से ही कई डिवाइस मौजूद हैं जो समुद्र की अत्यधिक गहराई में बेहतर काम करती हैं, क्योंकि इस गहराई में बहुत कम शोर होता है, जबकि नई डिवाइस अत्यधिक गहराई की बजाय उथले जल में काम करती है और इसी कारण दोनों में भिन्नता है। आपको बता दें कि इस नई डिवाइस को एक भारी कॉन्क्रीट बैलास्ट का उपयोग कर इंस्टॉल किया जाता है, जिस कारण यह गंभीर तूफानों में भी टिके रहने में सक्षम है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस डिवाइस का प्रयोग अब तटीय तेल और गैस उद्योग में भी किया जा सकता है। हाल ही में वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया। इसके मुताबिक 2018 में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का स्तर रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ा है। 2018 में ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने की दर पिछले दशक की औसत वृद्धि दर से ज्यादा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता 2017 में 405.5 पार्ट्स पर मिलियन थी, जो 2018 में बढ़कर 407.8 पार्ट्स पर मिलियन हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाती है। मौजूदा समय में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पूर्व औद्योगिक युग के स्तर से 147% है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारकों में जीवाश्म ईंधन का दहन महत्वपूर्ण वजह है। पिछले 3 दशकों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि की दर क्रमशः 1.42 ppm प्रतिवर्ष, 1.86 ppm प्रतिवर्ष और 2.06 ppm प्रतिवर्ष रही है। 2018 में मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के स्तर में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक वायुमंडल में लगभग 40% मीथेन प्राकृतिक स्रोतों से और 60% मानवीय कारकों से उत्सर्जित होती है। प्राकृतिक कारकों में आर्द्र भूमि, दीमक आदि शामिल हैं, जबकि मानवीय कारकों में धान की खेती, जैव ईंधन का दहन, लैंडफिल, बायोमास का दहन आदि शामिल हैं। 2018 में मीथेन की सांद्रता 1869 पार्ट्स पर बिलियन पहुंच गई है। यह पूर्व औद्योगिक युग के स्तर का 259% है। बीते दिनों मलेशिया के आखिरी सुमात्रा राइनो की भी मौत हो गई। इससे मलेशिया में सुमात्रा राइनोज पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं। मलेशिया के आखिरी सुमात्रा राइनो की मौत के बाद विश्व में इनकी संख्या केवल 80 रह गई है।
इस प्रजाति के सभी राइनोज अब केवल इंडोनेशिया में ही बचे हैं। आपको बता दें कि सुमात्रा राइनो दुनिया में मौजूद 5 छोटे राइनो प्रजाति में से एक है। इनमें अन्य 4 प्रजातियां व्हाइट राइनो, ब्लैक राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो और जावा राइनो हैं। यह 2 सींग वाले रुएदार राइनोज की सबसे छोटी प्रजाति है। भारतीय उपमहाद्वीप में इस प्रजाति के राइनो को आखिरी बार 1967 में देखा गया था। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने म्यांमार के घने जंगलों में अभी भी इनके पाए जाने की संभावना जताई है। व्हाइट राइनोज अफ्रीका में पाए जाते हैं। वर्तमान में इसकी 2 उप प्रजातियाँ नॉर्दर्न और सदर्न राइनो मौजूद हैं। इनमें नॉर्दर्न राइनो के मात्र 2 ही जानवर बचे हैं। ब्लैक राइनो भी अफ्रीका के समाना घास के मैदानों में पाए जाते हैं। ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज उत्तर भारत और दक्षिण नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। वहीं जावा राइनोज केवल इंडोनेशिया के उजुंग कुलोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। सुमात्रा राइनो, ब्लैक राइनो और जावा राइनो को IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने वार्षिक एमिशन गैप रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक उत्सर्जन को कम करने के लिए किए जा रहे वर्तमान प्रयास नाकाफी हैं। रिपोर्ट ने पिछले दशक में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में प्रति वर्ष 1.5% की वृद्धि पर चिंता जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया जाए तो भी 2030 तक वैश्विक तापमान में 3.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की पूरी संभावना है। रिपोर्ट ने चेताया है कि 2020 से 30 के बीच वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में अगर हर साल 7.6% की कमी नहीं की गई तो 2015 के पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकेगा। उधर IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने भी चेतावनी दी है कि वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा की वृद्धि होने पर तूफान और हीट वेव्स जैसी आपदाओं में इजाफा होगा। रिपोर्ट ने माना है कि दुनिया का 78% ग्रीन हाउस उत्सर्जन अकेले G20 देश करते हैं, लेकिन इनमें से महज 5 देश ही लंबे समय तक शून्य उत्सर्जन लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। रिपोर्ट ने विकासशील देशों के बरक्स विकसित देशों द्वारा जल्दी ही उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने की ज़रूरतों पर जोर दिया। वहीं UNEP ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए मजबूत नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को अहम बताया है। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट हर साल 2030 में होने वाले अनुमानित उत्सर्जन और पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्य के बीच के फर्क का आकलन करती है। मेघालय में जीवित जड़ों से बने पुलों पर जर्मनी के शोधकर्ताओं ने शोध किया है। इस शोध का मकसद इन प्राकृतिक संरचनाओं को दुनिया भर में आधुनिक वास्तुकला से जोड़ना है। इससे शहरों को ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकता है। जर्मनी के शोधकर्ताओं ने मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ियों पर लगभग 77 पुलों का अध्ययन किया है। इसमें इन पुलों की संरचना, विशेषताओं, इतिहास, पारिस्थितिकीय महत्व का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के बाद सुझाव दिया गया है कि इन पुलों को भविष्य में शहरी क्षेत्रों में बोटैनिकल आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट के लिए आधार बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि मेघालय में जीवित जड़ों से बने पुल जनजातियों के परंपरागत ज्ञान पर आधारित हैं। ये पुल मेघालय में जलधाराओं के आर पार विकसित हुए हैं। ये भारतीय रबर के पेड़ की जड़ों से बने होते हैं। भारतीय रबर का पेड़ अपनी प्रकृति की वजह से इन पुलों की वृद्धि के अनुकूल होता है। इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा लोचदार हैं, साथ ही आसानी से एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। ये पौधे पथरीली और खुरदुरी ज़मीन पर भी उगते हैं। मेघालय में पुल पर्यटन को आकर्षित करते हैं। यहाँ 2 अधिक प्रसिद्ध पुल रिवाई रूट ब्रिज और उमशियांग डबल डेकर ब्रिज हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण चावल की पैदावार में बड़ी गिरावट आ सकती है। यह खबर USA स्थित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पता चली है। अध्ययन के मुताबिक साल 2100 तक जलवायु परिवर्तन के कारण चावल की फसल में 40% की कमी आ सकती है। शोधकर्ताओं ने बताया कि वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी की वजह से मिट्टी की संरचना में बदलाव आता है। दरअसल तापमान में वृद्धि के कारण मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक आर्सेनिक में अस्थिरता आ जाती है। अस्थिर आर्सेनिक का चावल के पौधे के द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। अब ये पौधे पहले के मुकाबले दोगुनी मात्रा में आर्सेनिक का उपभोग करने लगते हैं। आर्सेनिक की बढ़ी हुई मात्रा के कारण पौधे द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण में रुकावट पैदा होती है, जिससे पौधे की वृद्धि और विकास दोनों में कमी आती है।
वैज्ञानिकों के मुताबिक आर्सेनिक की बढ़ी हुई मात्रा से वयस्कों और नवजातों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि आर्सेनिक के निरंतर उपभोग के कारण त्वचा रोग, कैंसर, फेफड़े संबंधी रोग हो सकते हैं। हाल ही में IIT खड़गपुर को एक अध्ययन में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ साक्ष्य मिले हैं। इन साक्ष्यों से इस अवधारणा को बल मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान और उसके बाद जलवायु परिवर्तन के कारण बड़े पैमाने पर मानवीय प्रवास हुआ था। यह अध्ययन हड़प्पा काल के बाद यानी लौह युग के कुछ अज्ञात स्थलों पर किया गया। इनमें एक तो कच्छ के रण के पश्चिमी भाग में स्थित करीमशाही है, जबकि दूसरा थार के मरुस्थल के सीमांत भाग में स्थित विगाकोट है। इस काल में ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी के कारण अक्सर इसे डार्क एज के रूप में भी जाना जाता है। मिट्टी के बर्तनों, ऐतिहासिक लघु कथाओं, पूरा जलवायविक साक्ष्यों से पता चला है कि सिंधु काल के लोगों ने पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी से पूर्व में स्थित घग्गर हकरा घाटी की ओर प्रवास किया था। शोधकर्ताओं के मुताबिक उस समय इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी ITCZ के शिफ्ट होने के कारण मानसून कमजोर हो गया, जिससे नदियां सूख गईं। नदियों के सूखने के कारण खेती करना कठिन हो गया और लोग पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवास करने लगे। आपको बता दें कि भूमध्य रेखा के निकट ऐसी पेटी जहां दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है, उसे ITCZ कहा जाता है। भारतीय मानसून में ITCZ की अहम भूमिका होती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। इसरो ने PSLV C-47 से कार्टोसेट 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है। यह उपग्रह कार्टोसेट सीरीज का नवा उपग्रह है। कार्टोसेट 3 की मिशन लाइफ 5 साल है। यह इसरो द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे जटिल और एडवांस भू सर्वेक्षण ग्रह है। यह बड़े स्तर पर शहरी नियोजन, ग्रामीण संसाधन, आधारभूत संरचना के विकास और तटीय भूमि के इस्तेमाल से जुड़ी जरूरतों को पूरा करेगा। इसके साथ अमेरिका के 13 नैनो सैटेलाइट्स भी भेजे गए हैं। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित इटालिन जल विद्युत परियोजना के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जैव विविधता अध्ययन कराने की सिफारिश की है। इस परियोजना के लिए किया गया पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अपर्याप्त पाए जाने के बाद यह सिफारिश की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि यह परियोजना दिबांग घाटी जिले की जैव विविधता के लिए खतरा पैदा करती है। यहाँ पक्षियों की लगभग 680 प्रजातियाँ पाई जाती है। यह भारत में पाई जाने वाली कुल पक्षियों की प्रजाति का 56% है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में फिट इंडिया स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया। फिट इंडिया स्कूल रैंकिंग को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें पहले लेवल पर फिट इंडिया स्कूल है, दूसरी श्रेणी फिट इंडिया स्कूल 3 स्टार और तीसरी श्रेणी फिट इंडिया स्कूल 5 स्टार है। इस सिस्टम में स्कूल की रैंकिंग इस बात पर निर्भर करेगी कि किसी स्कूल में बच्चों और अध्यापकों के बीच फिटनेस को कितना बढ़ावा दिया गया। शोधकर्ताओं ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सांप की एक नई प्रजाति खोजी है। यह सांप जहरीला नहीं है। ट्रैकीशियम एप्टेई नाम का यह सांप टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिला है। यह नाम जाने माने समुद्री जैव विज्ञानी और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के डायरेक्टर दीपक आप्टे के नाम पर रखा गया है। 21 से 23 नवंबर के बीच नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2019 का आयोजन किया गया। इस समिट का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने BIRAC यानी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के साथ मिलकर किया। इसका मकसद बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर लाना था। 26 से 28 नवंबर के बीच बेंगलुरु में 5वीं ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेज का आयोजन किया गया। इसका आयोजन वाणिज्य विभाग, सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने संयुक्त रूप से किया। पहले ग्लोबल एग्जीबिशन ऑन सर्विसेज का आयोजन 2015 में किया गया था। मौजूदा समय में यह सेवा व्यापार बढ़ाने और भारत तथा दुनिया के अन्य हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक वैश्विक प्लेटफॉर्म के तौर पर स्थापित हो चुका है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में संगाई फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस फेस्टिवल का आयोजन हर साल मणिपुर सरकार करती है। इसका मकसद राज्य की पर्यटन संभावनाओं, कला एवं संस्कृति, संगीत
पाक कला आदि का प्रदर्शन करना है। इस फेस्टिवल का नाम मणिपुर के राज्य पशु संगाई यानी ब्रो एंटलर डियर के नाम पर रखा गया है। इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में स्थित गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की है। यह राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। इसके पहले छत्तीसगढ़ में अचान कमार टाइगर रिजर्व, उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व हैं। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व की स्थापना की जाती है। वर्तमान में देश में 50 टाइगर रिजर्व हैं। मार्च 2020 में भारत नौसैन्य अभ्यास मिलन की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया जाएगा। इसमें 41 देश को आमंत्रित किया गया है। इसका मकसद हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है। भारत 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। हॉकी विश्व कप का आयोजन भुवनेश्वर स्थित कलिंगा हॉकी स्टेडियम और राउरकेला स्थित बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में होगा। कलिंगा स्टेडियम में इसके पहले 2018 में भी हॉकी विश्व कप का आयोजन हो चुका है। 27 से 29 नवंबर के बीच मानेसर में न्यूजेन मोबिलिटी समिट का आयोजन किया गया। इसका आयोजन इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी यानी ICAT ने किया। इसमें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी कंपनियों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया। न्यूजेन नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकी को खोजने और क्षमताओं के प्रदर्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म है। हाल ही में प्रोस्पेरिटी एंड इंक्लूजन सिटी सील एंड अवार्ड्स यानी PICSA इंडेक्स जारी किया गया। इसमें पहला स्थान ज्यूरिख और दूसरा स्थान वियना को मिला। 113 शहरों के इस इंडेक्स में भारत के 3 शहरों ने जगह बनाई। इनमें 83वें पायदान पर बेंगलुरु, 101वें पायदान पर दिल्ली और 107वें पायदान पर मुंबई है। यह इंडेक्स दुनिया भर के शहरों को उनकी समावेशी समृद्धि के आधार पर रैंक प्रदान करता है। इसके मुताबिक दुनिया के ज्यादातर समृद्ध शहर समावेशी समृद्धि के मामले में पीछे रहे हैं। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया गया। इस साल इस दिवस की थीम थी ऑरेंज द वर्ल्ड, जनरेशन इक्वेलिटी स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट रेप। यह दिवस 1981 से मनाया जा रहा है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।